सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों, अक्षय कुमार की मूवी ओ माय गॉड 2 ने पूरी की पूरी गेम पलट कर रख दी है। जहां ये मूवी सेंसर बोर्ड में फंस चुकी थी, अब दोस्तों इसे CBFC की तरफ से UA का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। और साथ में इस मूवी ने फिर से एक अनाउंसमेंट कर दी है कि हम 11 अगस्त को ही आएंगे, हम कोई पोस्टपोन या प्रीपोन या बैन नहीं होने वाले हैं। इसका मतलब है दोस्तों, जो गदर 2 मूवी है उसके साथ हमें ओ माय गॉड 2 मूवी का क्लैश 100% देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों बता दें, जो ओ माय गॉड 2 मूवी का फर्स्ट सॉन्ग होने वाला है ऊंची ऊंची वादी, वो दोस्तों हमें आज के ही दिन देखने को मिला है। सॉन्ग रिलीज हो चुका है और सॉन्ग ने आते ही साथ तहलका मचा दिया है। इसका मतलब है जो गदर 2 मूवी है वो कहीं ना कहीं बहुत ही तेजी से अब आगे बढ़ रही है। और उसके साथ साथ जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, ओ माय गॉड 2 मूवी का क्रेज भी लोगों में बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब किसी को सुनने में आता है कि अक्षय कुमार और सनी देओल एक साथ आने वाले हैं और वो एक दूसरे से हमें क्लैश करते हुए नजर आएंगे, उस समय सभी लोगों के मन में ये रहता है कि कौन इस बाजी को जीत पाता है। और ओ माय गॉड 2 मूवी दोस्तों, जहां तक हमने सुना है, उसका कंटेंट थोड़ा सा सही नहीं है, इसी वजह से उसे सेंसर बोर्ड ने पकड़ लिया था। लेकिन अब सेंसर बोर्ड ने इसे CBFC की तरफ से UA का सर्टिफिकेट मिल चुका है। इसका मतलब ये मूवी रिलीज होने के लिए पूरा तैयार है। अब आप बताइए कि आप ओ माय गॉड 2 मूवी देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? क्या आप गदर 2 मूवी देखने जाएंगे या ओ माय गॉड 2 मूवी देखने जाएंगे? आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।